Good morning, students. Let's start the revision of chapter 27, that is long composition. In previous classes, we have done the short composition in which we have taken the notice part and paragraph. In long composition, which include letters, articles, essays, speeches, reports, diary entries, story writing, etc. लॉन्ग कॉम्पोजिशन में हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. शॉर्ट चीज़ों में छोटी चीज़ें, शॉर्ट में लिखी हुई रिटन चीज़ें आती हैं. एंड इन लॉन्ग इट इंक्लूड्स लेटर, आर्टिकल्स, एसे, स्पीचेस, रिपोर्ट्स, डायरी एंट्रीज, स्टोरी राइटिंग इटीसी. दीज मे बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर कटिंग, डायग्राम, ग्राफ्स और फ्लो चार्ट. ये इन सारे फॉर्म में हो सकते हैं. न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो एंड अदर एडवर्टाइजमेंट, डायग्राम्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स, ये कुछ भी हो सकते हैं. नाउ फर्स्ट लॉन्ग कॉम्पोजिशन इज लेटर राइटिंग. पहले लेटर राइटिंग को देखेंगे. वॉट इज अ लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग इज एन आर्ट विच इज सिंपल इन फॉर्म एंड नेचुरल इन स्टाइल. जो कि फॉर्म लिखने में तो सिंपल होता है एंड उसका जो स्टाइल होता है वो नेचुरल होता है. सो ये भी एक आर्ट है, एक तरह की कला है लेटर को राइट करना. ये नहीं कि हम किसी तरह से एक पेज लिख दिए सिंपल एक पैराग्राफ की तरह, वो एक लेटर हो गया. नो, इट्स आल्सो अ हैविंग अ स्टाइल. इट एफर्ट्स अ डीपर, बेटर एंड मोर क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स. इसमें क्या है कि हम बहुत ही गहरा, अच्छा और अपना क्रिएटिव थॉट, हमारे दिमाग में जो क्रिएटिव थॉट आता है उसको हम डालते हैं. इट इज़ देयरफॉर नॉट ओनली एसेंशियल टू लर्न द टेक्निक बट ऑल्सो द आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस. सो सिर्फ इसकी टेक्निक को नहीं जानना है, ये नहीं कि बस ये टेक्निक है लेटर राइटिंग का, बट उसे लिखना भी है. सो टू इम्प्रूव आर प्रैक्टिस ऑफ लेटर राइटिंग, टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ लेटर राइटिंग, जो हमारा स्किल है उसको इम्प्रूव करना. लेटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टू काइंड. इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज इनफॉर्मल, सेकेंड इज फॉर्मल. इनफॉर्मल में कौन सा लेटर आएगा? पर्सनल लेटर, जो कि हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कलीग को अगर पर्सनल वे में लिखना है, दैट इज़ पर्सनल लेटर. सेकेंड इज फॉर्मल. फॉर्मल में बिजनेस, ऑफिशियल, एप्लीकेशन, इन सब को हम कवर करते हैं. सो हम जो स्कूल में या कहीं और भी एप्लीकेशन लिखते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर एप्लीकेशन ही लिखते हो, सो इट विल कम अंडर फॉर्मल लेटर. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द इनफॉर्मल लेटर, दैट इज पर्सनल लेटर. These letters are written to intimate friends, cousins and relatives. ये इनको लिखे जाते हैं. These should be written in simple, easy to understand and conversational style. ये बहुत ही simple way में, simple languages को use करके और conversational style, जिस तरीके से हम आपस में बातचीत करते हैं, conversation करते हैं, उस style में लिखे जाते हैं. The tone is informal and the colloquial expressions can also be used. इसमें जो टोन होता है वो भी इनफॉर्मल होता है, और जो हम डे टू डे लाइफ में जो एक्सप्रेशन नॉर्मली यूज़ करते हैं उसको भी हम वर्ड्स में लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर में. हेयर द ले आउट ऑफ इनफॉर्मल लेटर इज गिवन. फर्स्ट वी हैव टू राइट द सेंडर एड्रेस. हेयर द एड्रेस इज गिवन, देन द डेट. डू नॉट राइट योर नेम. Don't write your name. Then date, 18 December 2000, whatever will be the date. Salutation, dear Suchit. Body of the letter, then body of letter will become and complimentary close. Your affectionately, sincerely, Harish. Complimentary close, जब हम end करेंगे तो आप जिसको भी letter लिख रहे हो with love, anything you can write, वो आप लिख सकते हो. Now, in your book, some example of informal letter is given. First is, write a letter to your father requesting him to send some money to buy a book. So it is a informal letter. Personally, you are writing to your father. Here you have written the address and then salutation. Date is also mentioned, dear Papa. So
इस तरह के टॉपिक में आप बॉडी क्या लिखोगे? My examination are approaching fast. I am working hard for the same. As you know, I am weak in English. My English teacher has suggested me to buy a book of grammar. Acts English grammar with composition for practice available in the market. It cost about Rs. 150. Please send the money required as soon as possible. Kindly pay my regards to dear mother. ये भी लिखते हैं, अगर घर में कोई और हो साथ में तो उसके लिए भी रिगार्ड्स, और छोटे हो तो आप उसे लव लिख सकते हो कि हम इस तरह से हमारा प्यार कहना छोटों के लिए. नाउ एट द एंड द एंडिंग सेंटेंस वर्ड विल बी योर लविंग सन डेविड. सो दिस इज़ द फॉर्मेट और लेआउट विच वी आर फॉलोइंग लाइक दिस while writing the informal letter. Some other topic is also given from where you can read it or write it, so you can, you know how to write the body of what the sentence you can use or what words we use to write any informal letter.